हरियाणा न्यूज पर एलविश यादव ने खास बातचीत की है। एलविश यादव ने अपने करियर को लेकर, राजनीति में आने को लेकर, बिग बॉस में रहे उनके अनुभव को लेकर खास बातचीत की है। तो अभी राजनीति में जाने का विचार नहीं है, राजनीति में अगर आया तो सबसे पहले हरियाणा न्यूज को जानकारी दूंगा। मेरे कार्यक्रम में आने को लेकर सीएम का आभार प्रकट करता हूं। आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी सीजन काफी मुश्किलों भरा रही, ये भी कहा गया कि एलविश यादव की ओर से, साथ ही साथ युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी उनकी ओर से की गई है। बिग बॉस विजेता आज मेरे साथ हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की बात करूं या भारत से बाहर की बात करूं, कहीं ना कहीं सिस्टम नाम आज गूंज रहा है और वो सिस्टम को देने वाले यानी कि सिस्टम को बनाने वाले एलविश यादव मेरे साथ हैं। इन्हीं से बात करता हूं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद भाई, आप कैसे हो? ऑल वेल आप जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। एलविश, इसकी शुरुआत किस तरीके से रही, क्योंकि बिग बॉस जाना सभी का सपना होता है, और किस तरीके से आपके मन में आया? नहीं, मेरे मन में नहीं था बिग बॉस जाने का, उनका खुद ही आया आगे से कि हमारे पास ऐसे ऐसे ओटीटी पे आ रहा है, आपने आना है इसमें। मेरे पे स्टार्टिंग में आया था, बट फिर मैंने रिजेक्ट करा। फिर उनका वाइल्ड कार्ड आया, मैंने वो भी रिजेक्ट करा, बट कुछ रीजंस थे। फिर मेरे को जाना, मैं कि चलो चल देते हैं यार, क्योंकि एक कमर्शियल इमेज जो बनती है ना, जैसे सपोज मैं अभी नॉर्थ इंडिया में थोड़ा अपना बुनियाद मेरी ज़्यादा थी, बट अब पैन इंडिया हो गया बिग बॉस की वजह से। इसका काफ़ी ग्रेटफुल हूँ मैं कि सही डिसीजन लिया मैंने। अब हम बात करें, बिग बॉस जीतने के बाद कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग और बढ़ी है, उन फैन के लिए अब क्या आगे का जो है प्रोजेक्ट आपका रहेगा, किस तरीके से अब काम करने वाले हैं? नहीं, अब जैसे पब्लिक ने सबने मिला के मुझे लेवल अप कर दिया, तो मैं भी अपने काम को लेवल अप कर रहा हूँ। अब जैसे मैं यूट्यूब पे था, यूट्यूब पे मैं रहूँगा, बट अब बॉलीवुड में भी और ओटीटी और वेब सीरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी, शोज भी आएंगे। अब बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात की, आपके स्टेज पर मुख्यमंत्री आए, और साथ ही साथ डिप्टी सीएम से भी आपने मुलाकात की, क्या आप राजनीति में जाने की भी कहीं ना कहीं अब एलविश देख सकते हैं राजनीति? नहीं, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो आए एक बारी के कहने पे। मैंने इनवाइट करा, उन्होंने झट से बोला कि कोई नहीं, मैं आऊँगा, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, बट इस टाइम पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं मेरा जाने का। हमारी मुलाकात भी हुई तो पर्सनल बेसिस पे हुई, ना कि पॉलिटिक्स बेसिस। हम बात करें दुष्यंत चौटाला की और मनोहर लाल खट्टर, दोनों अलग अलग पार्टी से हैं और दोनों से आपने मुलाकात की, दोनों से किसी को एक को चुना जाए, यानी कि राजनीति में यदि आप करियर शुरू करना चाहते हैं तो किसकी तरफ से आप राजनीति की शुरुआत करें? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा मैंने, जैसे ही मैं सोचूंगा इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ पर आएगा इंटरव्यू, जब मैं सोच लूंगा। क्या अब, क्योंकि लगातार आप ब्लॉग बनाए हैं, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, अब किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जल्दी आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके चाहने वाले लोग, उनको क्या मिले? अभी अपने गाने आने वाले हैं, एक अपना लेबल भी लॉन्च होने वाला है, और वैसे और लेबल्स के लिए भी मैं गाने कर रहा हूँ, उसके बाद आपको वेब सीरीज़ दिखेगी। लगातार मैंने देखा कि आप अपनी माँ और फैमिली के साथ कहीं ना कहीं काफ़ी अटैच हैं, और जब बिग बॉस के घर में रहे, ना ही मोबाइल फ़ोन और ना ही परिवार से बात, वो कितना मुश्किल समय रहा होगा आपके लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बिग बॉस के घर में भी लगातार कहा कि वो समय कहीं ना कहीं आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण रहा, ना ही मोबाइल था और ना घर वालों से संपर्क। जी, मतलब 30 दिन रहा मैं घर के अंदर, और मेरे लिए मैं कभी रहा नहीं अपने घर वालों से इतना दूर, ना मैंने कभी ट्राई करा ये चीज़ करने का कि मैं मम्मी से या पापा से इतना दूर रहूं विदाउट फ़ोन। मैं ट्रिप्स पे जाता हूं 10-12 दिन की, बट कांटेक्ट होता रहता है। तो तब मुझे फील आई, काफ़ी हार्ड था स्टार्टिंग में मेरे लिए कि मैं कैसे रहूं, बट धीरे धीरे फिर मैंने कि अब 2 करोड़ रुपये तो दे नहीं सकता मैं, 2 करोड़ रुपये फ़ाइन था अगर वहाँ से निकलता मैं, मैंने कि चलो 2 करोड़ बचाने के लिए ये सेक्रीफाइस भी सही। काफ़ी मुश्किल था, बट हो गया। लगातार अब पैसों की बात आपने करी, तो कहीं ना कहीं एलविश का नाम आता है, जब पैसे की बात आती है तो कहीं ना कहीं एलविश लगातार उसकी लड़ाई लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं एक जो है, हम बात करें हरियाणवी में बात करें, कहीं ना कहीं दाव लगाते हैं हाथ पर, पंजा टेकने वाला जिसको हम कहते हैं। परमिश भाई के साथ भी वो एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं जब पैसे की बात आई तो एलविश ने सामने वाले जो आपके सामने थे उनको तुरंत हरा दिया। अरे नहीं, वो मजाक मस्ती हमारी चलती रहती है, परमेश भाई बहुत क्लोज है मेरे, और पंजा लड़ाना ये मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मजे में हम करते रहते हैं कि शर्त लगा ली, पैसे जीत लिए, लेना देना नहीं होता हमारे पैसे का, रखते रखते हम बस। गाड़ी का भी बहुत शौक है, अच्छी अच्छी कलेक्शन आपके पास है, अब आपके बेड़े में कौन सी गाड़ी अब शामिल होने वाली है? अब कलेक्शन कहाँ है भाई, 2 ही गाड़ी है यार, एक फॉर्चुनर है, एक पोर्श है, अभी तीसरी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो पापा को दिलानी है, पापा कह रहे हैं गाड़ी लेने की, उसके बाद मैं एक अपनी लूँगा, मे बी इम्पोर्ट कराऊँ मैं दुबई से। अच्छा, अंकल की बात करें, अंकल शिक्षक हैं और लगातार बच्चों को एक अच्छा मैसेज देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और आपकी परवरिश भी बड़ी अच्छी रही है, और साथ ही साथ किस तरीके से अब एक युवा को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि एलविश यादव आज सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं, क्योंकि आज युवा पीढ़ी नशे की तरफ और गलत संगतियों में पड़ती नजर आ रही है, तो उनको क्या मैसेज करने का? उनको यही मैसेज दूंगा कि यही टाइम है,
अगर इस टाइम का आपने सदुपयोग कर दिया तो बहुत आगे जाओगे, और दुरुपयोग कर लिया तो उसका उल्टा होगा। तो सारी चीज़ें आपके हाथ में है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, अपनी दिनचर्या कैसी रखते हो, क्या काम करते हो, कितनी मेहनत करते हो, तो सब आपके ऊपर है। और ये मत सोचना कि सब चीज़ भगवान देता है, सब चीज़ किस्मत के ऊपर होती है। मेहनत भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। आपका पूरा सर्कल है, विनय यादव की बात करूँ, कटारिया भाई की बात करूँ, लगातार आपके साथ एक बैकबोन की तरह वो चलते हैं। जी बिल्कुल, उनकी एक अहम भूमिका रही है, वो हमने देखे आप जब बिग बॉस के घर में थे तो पूरा इवेंट जो है, मैनेजमेंट है, तमाम पोस्ट से लेके वोटर के लिए भी, तो कितनी महत्वपूर्ण जो एक टीम वर्क है वो आप देखते हैं? नहीं, के साथ रह के कितना मजबूती आपको मिलती है फिर टीम के साथ? नहीं, मेरी टीम नहीं है, मैं उनको फैमिली मानता हूँ, जितने भी मेरे भाई बंधु साथ में मेरे हैं और जिन्होंने पीछे से पूरा सपोर्ट करा। मैं ये मानता हूँ अगर मैं बिग बॉस के घर के अंदर था, मैं कितना ही बहुत बढ़िया कर लेता, बट अगर मेरे साथ मेरे लोग ना होते तो मैं जीतता भी नहीं और शायद उतना इम्पैक्ट भी नहीं डाल पाता। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि भगवान ने बहुत सोच समझ के मुझे लोग दे रखे हैं जो बहुत अच्छे हैं। हरियाणा की ऑडियंस को, हरियाणा न्यूज़ के परिवार को क्या किस तरीके से शुभकामनाएं दें? मैं आपको बहुत विश करता हूँ कि बहुत आगे जाए आपका चैनल और बहुत आगे जाए हमारा हरियाणा भी। तो सारे भाई अपने खूब मेहनत करो और हम भी मेहनत करेंगे, प्यार करो और हम बदले में आपको एंटरटेनमेंट देंगे। हाँ, तो ये थे मेरे साथ एल्विश यादव, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि युवा को भी एक मैसेज दिया है कि मेहनत सबसे ज़रूरी है, मेहनत आप करते रहिए और मेहनत करेंगे तो उसका नतीजा, उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अब बड़े जो प्रोजेक्ट हैं एल्विश यादव के, जो फैंस हैं उनको भी देखने को मिलेंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर, OTT2 बिग बॉस। तो एल्विश यादव को आपने सुना, हरियाणा न्यूज पर बोले एल्विश, अभी राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं है। चूंकि हरियाणा न्यूज के संवाददाता संजय राठौर ने उनसे पूछा कि आप तो सीएम भी चूंकि आपके कार्यक्रम में आए थे, आप डिप्टी सीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं, क्या कोई विचार किया कि मन बनाया कि आप राजनीति में जाएंगे? तो एल्विश यादव की ओर से कहा गया कि अभी तो कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर ऐसा मैंने कोई फैसला लिया, विचार किया, तो सबसे पहले हरियाणा न्यूज को भी बताऊंगा। सीएम का आभार हरियाणा न्यूज के माध्यम से भी जताया है और अपने सफर को लेकर भी बात की है कि बिग बॉस OTT में क्या क्या मुश्किलें और चुनौतियां रही। तो गुरुग्राम से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अल्पेश यादव बच्चों के बीच कार्यक्रम के दौरान, और हरियाणा न्यूज ने इस दौरान उनसे खास बातचीत की। खास बातचीत में उन्होंने बताया कि आगे उनके क्या क्या प्रोजेक्ट रहेंगे राजनीति को लेकर, हालांकि अभी कोई फैसला नहीं लिया है, अभी कोई विचार भी नहीं है। और बिग बॉस OTT को लेकर भी उन्होंने बताया कि इससे काफी नाम, क्योंकि पहले केवल नॉर्थ इंडिया लेकिन अब पूरे ही भारत में उन्हें नेम फेम मिला है बिग बॉस OTT के जरिए।